एंड आज अपने पास है भाई डेल का लैपटॉप। यह है डेल इंस्पिरॉन 3520। तो हल्के फुल्के लोगों के लिए हल्का फुल्का मसाला, स्टूडेंट लोग हल्के फुल्के काम करने वाले। अब ये है भाई i5 12 जेन वाला लैपटॉप। काफी लोग कहेंगे कि भैया 13 जेन के जमाने में 12 जेन क्या कर रहे हो, ये आप बड़े आउटडेटेड हो, बहुत आउटडेटेड चल रहे हो। भाई ये लाने का भी ना देखो पीछे की रीजन समझो। एक तो ये कि जो जुगाड़ हो रहा है वो ले आते हैं, दूसरा ये कि 12 जेन के ना प्राइजेस कम हो जाएंगे 13 जेन के आते ही, तो प्राइस ड्रॉप होगा तो काफी लोग सस्ते के चक्कर में 12 जेन लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि 12 जेन बेकार है, तुम्हें पता भाई, तो वीडियो चाहिए ना तो उस हिसाब से लैपटॉप का रिव्यू होना चाहिए ना यूट्यूब पे। वो कमी तुम्हारा भाई पूरी कर रहा है, कमी पूरी करने आया हम। अनबॉक्स कर ले अब इसको। तो कुछ ऐसा बॉक्स है सेंटर में डेल, मोहर मार के खोल हम पहले से चुके हैं। तो एक आते साथ पावर अडैप्टर 65 वोल्ट्स का आउटपुट के साथ, एक अपनी वही हर बार की तरह आने वाली पावर कॉर्ड, तो एक तगड़ी सी नशे की पुड़िया, यूजर मैनुअल गाइड, देन आता है भाई अपना लैपटॉप। ओ भाई साहब वाह भाई क्या ही फिनिशिंग दी हुई है, मतलब मजा आ गया। तो एक बार इसकी सुंदरता की बात कर लेते हैं। तो ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, सेंटर में डेल का लोगो है और ये मिरर फिनिश के साथ आता है। सिल्वर कलर का अपना लैपटॉप है आगे से और पीछे से हर जगह से, एंड पूरा लैपटॉप प्लास्टिक बिल्ड में है ऊपर से भी एंड नीचे से भी। दिखने में एल्यूमिनियम लगता है लेकिन है प्लास्टिक ही, और वैसे इसके अंदर एक एल्यूमिनियम वाला मॉडल भी आता है तो ये भी ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्लेक्स अपर लिड पर हमें देखने को मिलता है, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी इसके अंदर में मिलता है हल्का फुल्का, मतलब प्लास्टिक बॉडी के हिसाब से जैसा होता है। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसा अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। ओवरऑल लुक वाइज अच्छा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है, तो अगर तुम्हें लाइक ब्लैक के दीवाने हो, तुम काली चीजें ज्यादा पसंद है, तो काला वेरिएंट भी ले सकते हो। बाकी अगर एक हाथ से ओपन करे तो ये नहीं होता, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, ओपन करने के बाद मिलती है। ये तो जरूरी है भाई, इसके बिना कोई लैपटॉप अनबॉक्स नहीं हो सकता। अंदर का डिजाइन भी काफी ज्यादा प्लेन सिंपलिस्टिक और मस्त है भाई, दिखने में बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक मिलती है हर जगह से। बाकी एग्जॉस्ट वेंट्स हमें इसके यहाँ पर मिलते हैं डिस्प्ले के पास, तो कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड ये एयर फ्लो होगा इसका। ऐसा डिस्प्ले पे कोई ज्यादा स्ट्राइक नहीं करती हवा गरम गरम, मतलब तो डिस्प्ले से उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी जितना मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से। एंड अगर वेट की बात करें तो कुछ 1.6 केजी के आसपास का वेट है इसका। बाकी साइड में और पीछे हर जगह से बिल्कुल एकदम प्लेन सिंपलिस्टिक सा लैपटॉप है। बैक साइड भी प्लास्टिक की है, यहाँ पर दो स्पीकर्स मिलते हैं एंड एक लाइन है वेंट्स की, और रबर ग्रिप्स वगैरह मिलती है, एंड सेंटर में लिखा हुआ इंस्पिरॉन। भाई साहब ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। एंड यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पर भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी रबर ग्रिप है अपर लिड पर लगी हुई है, तो वो जब हम अपर लिड को पूरा खोलते हैं तो नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है एयर फ्लो के लिए, तो वहां पर ये वाली दोनों रबर ग्रिप्स काम आती है। ओवरऑल सुंदरता के मामले में कोई कमी नहीं लगी मेरे को, एंड बिल्ड क्वालिटी भी ओवरऑल बताऊं तो डिसेंट सी लगी। एंड हिंज भी इसका स्टेबल है, मैंने जितना भी यूज किया एकदम सही काम करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। एंड वोबलिंग हल्की फुल्की इसकी करती है डिस्प्ले, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत करती है। तो अगर ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो मैं कहूंगा कि एल्यूमिनियम वाला जो मॉडल आता है इसका उसको प्रेफर कर सकते हो। ये बिल्कुल एकदम जो बेस मॉडल होता है ना वो है ये। तो पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो। तो इस लैपटॉप में हमारे पास i5 12 35U वाला प्रोसेसर, जिसमें है 10 कोर 12 थ्रेड्स, और इसमें हमें मिलते हैं 2 परफॉर्मेंस एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स के साथ। ग्राफिक्स है इसके अंदर इंटीग्रेटेड वाले इंटेल के UHD ग्राफिक्स। अब यहाँ मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि देखो एटलीस्ट जिस बजट पे आ रहा है ना उसमें आयरिस एक्सी ग्राफिक्स होने ही चाहिए थे। बाकी डेल की वेबसाइट पर ऑप्शन है, तुम्हें आयरिस एक्सी वाला मॉडल चाहिए तो वो भी ले सकते हो, लेकिन वही बात है उसको ऐड करने पे थोड़ा बहुत और प्राइस बढ़ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। मतलब एटलीस्ट आयरिस एक्सी होने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल बेस वेरिएंट होता है ना ये वो है, ग्राफिक्स भी बिल्कुल वैसे ही है। रैम इसके अंदर 8GB की DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली सिंगल चैनल रैम, एंड ये 16GB तक अपग्रेडेबल है, मतलब एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है इसके अंदर तो अपग्रेड हो सकती है। और जहां तक मुझे पता है ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली DDR4 को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि रैम 2666 2023 में, मतलब 2022 में आया था ये, तो उस हिसाब से भी बहुत ही गई गुजरी रैम है वो। एटलीस्ट 3200 मेगाहर्ट्ज तो होनी चाहिए थी इसमें, वो भी अगेन डेल वालों ने ऑप्शन दे रखा है भाई, अगर तुम्हें 3200 चाहिए तो वो वाली भी ले सकते हो, पर फिर वही बात है प्राइस बढ़ जाएगा भाई, इनकी माया यही जाने। अगेन बेस मॉडल। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512GB की Gen 3 SSD, रीड एंड राइट स्पीड तुम देख सकते हो। बाकी मैंने जो इसका SSD का मॉडल नंबर है ना वो इंटरनेट पे सर्च करा, एंड उसके हिसाब से मुझे पता चला कि ये वाली जो पर्टिकुलर SSD है ये Gen 4 के अंदर आती है, बट इसके अंदर जो हमें रीड एंड राइट स्पीड मिलती है वो जेन 3 वाली मिल रही है। एंड एक जगह मैंने पढ़ा कि जेन 4 SSD को जेन 3 के स्लॉट में लगा के जेन 3 की तरह सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो बेसिकली स्पीड्स कम हो जाती है। ऐसा क्यों किया होगा, अगर ऐसा है पता नहीं, बाकी रीड एंड राइट स्पीड से मतलब है हमको वो तुमने देख ही लिया। एंड ये जेन 4 को सपोर्ट करता है नहीं, और अपग्रेडेबल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिली मेरे को। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2, और क्योंकि बिल्कुल ही स्टूडेंट ओरिएंटेड और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, तो MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट भी आता है इसके साथ मुफ्त। चलो कुछ तो मुफ्त है। अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप खरीदने का प्लान भी कर रहे होगे, तो अगर तुम में से कोई भी दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के आसपास ही देख रहा है तो ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए, बाकी लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम देख के, बट नहीं करोगे तो भाई का फायदा रहेगा,
थोड़ा चला के दो मिनट साइड कर दो ताकि हमारा रिटेंशन बना रहे। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप परचेज करना है, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस ओरिएंटेड या फिर कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन एंड इनके स्टोर्स दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में काफी जगह पर अवेलेबल है और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है वहां पर। कॉन्टेक्ट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बाकी अगर अपने भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। देखा, फायदा जरूरी है। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलता है एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 1.4 का पोर्ट और दो मिलते हैं USB टाइप ए 3.2 जेन 1 वाले पोर्ट। तो इसमें कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है और अगर टाइप सी पोर्ट चाहिए तो वो भी इसके हायर वेरिएंट्स के अंदर है, जो एल्यूमिनियम वाला वेरिएंट है और जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड डला हुआ है MX550 वाला। तो ये बेस वेरिएंट इसमें टाइप सी भी नहीं दिया, पैसे तो बेस वाले नहीं है इसके, बाकी सब बेस वेरिएंट है। और राइट साइड पर एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, एक USB 2.0 का पोर्ट और एक फुल साइज SD कार्ड स्लॉट। भाई USB 2.0 लिटरली 2.0 दे रहे हैं डेल वाले, आज तक हिम्मत खतरनाक वाली दे रखी है इनको भगवान ने, फिर भी बिक रहा है दबा के। पर कोई नहीं, दो पोर्ट तो अच्छे दिए कम से कम, इसको कीबोर्ड माउस लगाने के लिए यूज कर लेना। बाकी अंदर का डिजाइन भी एकदम सिंपलिस्टिक लुक है इसकी, प्रोफेशनल पूरी सिल्वर कलर में, जैसी नॉर्मली हर बार डेल वाले देते हैं। और लेफ्ट साइड पर कुछ खास फीचर छाप रखे और राइट साइड पर i5 की ब्रांडिंग एंड सेंटर में आता अपना ट्रैक पैड। एंड ट्रैक पैड का साइज मुझे काफी सही लगा, लाइक बड़ा बड़ा अच्छा खासा, आराम से हाथ वाथ पूरा आ जाएगा और जेस्चर वेस्टर कर सकते हो। एंड प्लास्टिक वाला टच पैड है, लेकिन टच पैड की क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, फुल टच है एंड आराम से, मतलब तुम टच पैड रिलेटेड सारे काम स्मूथली कर सकते हो। हल्का हल्का खटखट करता है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। बाकी कीबोर्ड अपना ब्लैक कलर का आता है और काफी सही कॉन्ट्रास्ट बनता है इसका सिल्वर कलर के साथ। बाकी कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, टाइपिंग वाइपिंग करोगे मस्त एकदम टेक्टाइल फीडबैक मिलता है। फंक्शन कीज पर शॉर्टकट वगैरह भी हमें सारे मिलते हैं इसके अंदर। एंड बैकलिट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की बैकलिट मिलती है 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। कीबोर्ड में कोई कमी नहीं है, कीबोर्ड अच्छा डेफिनेटली। एंड राइट साइड पर कोने में अपने पास पावर बटन है और इसमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें नहीं मिलता। हायर वेरियंट इसमें है या नहीं वो नहीं पता, बट इसमें तो नहीं है क्योंकि फेस वेरियंट अगेन कितनी बार बोलूंगा मैं। बाकी डिस्प्ले इसके अंदर हमारे पास आती है 15.6 इंच की एक FHD 1080p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और ये एक WVA एंटी ग्लेयर पैनल है। तो WVA जिनको भी नहीं पता, बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये डेल वाले ना अपनी अलग ही ब्रांडिंग करके चलते हैं। यू समझ लो कि ये है IPS ही, बट ये डेल वालों का IPS है। तो क्वालिटी वाइज तुम्हें कोई फर्क नहीं लगेगा, अगर तुम IPS से कंपेयर करो बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता है। तो विश्वास नहीं है तो गूगल कर सकते हो भाई, IPS जैसा यही मान के चलो। और रिफ्रेश रेट है इसके अंदर 120Hz का और 215 इंच की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मतलब 120Hz रिफ्रेश रेट दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या लॉजिक लगा के दिया, गेमिंग तो इसमें हो ही नहीं सकती और नॉर्मल इंसान को 60Hz भी स्मूथ लगता है। मतलब ये ना बहुत ही गहरी चीज है कि 120Hz एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में किस काम आएगा। मतलब 90 तक भी ठीक था, मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ा देते वो करके, लेकिन 120 समझ नहीं आया मुझे, लिटरली समझ नहीं आया। बाकी कलर्स वगैरह इसमें बेसिक से ही मिलेंगे क्योंकि 45% NTSC वाली डिस्प्ले है, तो नॉर्मल जो अपने काम होते हैं वो कर सकते हो, बट कलर एक्यूरेसी या कलर ग्रेडिंग जैसे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल कंटेंट कंजप्शन के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। तो नॉर्मल जैसी हर लैपटॉप में डिस्प्ले होती है बिल्कुल वैसी सी है, तो पता ही है तुम्हें क्या यूज होता है उसका। तो डिस्प्ले के ऊपर मिलता है एक छोटा सा वेबकैम जिसके बगल में माइक लगा हुआ है और इसमें हमें मिलता है 720p 30fps वाला वेबकैम। तो कुछ ऐसी क्वालिटी है इसके वेबकैम में कि माइक भी इसी यूज हो रहा है, देख सकते हो तुम कैसी है। बाकी मुझे तो देखो सही लग रही है, ऑनलाइन मीटिंग के हिसाब से तो अच्छी क्वालिटी है, डेल वाले इन चीजों में ध्यान देते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब मार दो फटाफट। स्पीकर्स की बात करें तो दो डाउन फायरिंग स्पीकर्स है और 2-2 वोल्ट्स के आउटपुट वाले स्पीकर है। तो भाई स्पीकर में पता नहीं अलग ही बवाल मचा रखा है इन्होंने, इतने लाउड और इतने तगड़ी क्वालिटी के स्पीकर है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी भी लैपटॉप को इसके बगल में खड़ा कर दो, फेल है वो लैपटॉप इसके सामने। मतलब क्वालिटी भी अच्छी, लाउडनेस भी अच्छी एंड हल्की फुल्की बेस भी फील होती है। तो लाउडनेस तो बहुत ही ज्यादा लगी मेरे को, जियो का लैपटॉप फेल कर दिया इसने। तो स्पीकर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, आराम से तुम मनोरंजन कर सकते हो इसके स्पीकर्स के साथ। लैपटॉप के हिसाब से तो काफी अच्छे लगे, अबव से भी अबव एवरेज वाले, अभी तक यही सबसे जबरदस्त चीज लगी। मजाक कर रहा हूं भाई, डेल वालों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। बाकी बैटरी की बात करें तो 41 वाट आवर्स की एक 3 सेल बैटरी है इसमें। तो मैंने जितना भी टेस्ट किया उस हिसाब से अगर बताऊं तो मेरे को ठीक ठाक बैकअप दे दिया इस लैपटॉप ने। मतलब 3-4 घंटे के आसपास का बैकअप इससे ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे या उससे ज्यादा भी लोगे बिल्कुल ही
बेसिक से बेसिक यूसेज करके कम ब्राइटनेस पे बैटरी सेवर ऑन करके तो 5 घंटे का दे देगा, क्योंकि बहुत ही हल्का फुल्का लैपटॉप है एंड ज्यादा हैवी माल ताल इसमें नहीं दिया हुआ, तो बैटरी तो अच्छी दे ही देगा, बट उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मेरे हिसाब से तो 4 घंटे के आसपास ही चलेगा, बाकी हर चीज भाई यूसेज पे डिपेंड करती है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसमें बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, सिनेबेंच R23 का स्कोर तुम देख सकते हो, गीकबेंच 6 के अंदर कुछ ऐसे स्कोर आए थे एंड क्रॉसमार्क के अंदर हमारे पास ये स्कोर आते हैं। तो इन स्कोर से दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोसेसर कितना खतरनाक है इस लैपटॉप के हिसाब से जो इसमें हमें मिल रहा है। बाकी सेम प्रोसेसर के साथ मैंने लेनोवो का आईडियापैड स्लिम रिव्यू किया था, तो उसके साथ स्कोर कंपेयर करें तो कुछ ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। बाकी अगर प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो देखो बहुत ही बिल्कुल एकदम बेसिक सा यूज कर सकते हो इसको, जैसे अगर तुम स्टूडेंट हो नॉर्मल कॉलेज रिलेटेड एमएस ऑफिस यूज करना, ब्राउजिंग करना या कुछ थोड़ी बहुत छोटे मोटे काम करना, तो वो सारे काम इसमें मस्त आराम से हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। बट अगर थोड़ा हैवी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं तो फोटोशॉप के अंदर फोटो एडिटिंग तुम आराम से इसमें अच्छे लेवल तक की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो मैंने प्रीमियर प्रो टेस्ट किया था एंड उस हिसाब से मैं अगर बताऊं तो देखो 1080p 60 तक तो अच्छे खासे लेवल की एडिटिंग हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, वो भी मैं बहुत ज्यादा 10-15 लेयर वाली एडिटिंग रेकमेंड नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि रैम भी इसमें भाई 2666 MHz की है एंड ग्राफिक कार्ड भी इसमें हमें i3 तो मतलब एटलीस्ट मिलता तो अच्छी थी, बट UHD में इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता मैं। 1080p 60 में डिसेंट लेवल तक कर सकते हो, बाकी 4K में इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, 2-3 लेयर तक हो जाएगी बट बिगिनर लेवल तक और ज्यादा हाई लेवल तक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वो सब करना है तो गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाओ या फिर और हाई एंड प्रोफेशनल लैपटॉप की तरफ जाओ, मैंने बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं तो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। एंड अभी एक एसर का स्विफ्ट गो रिव्यू किया था राइजन 7000 सीरीज वाला, वो भी चेकआउट कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी मिलती है हमें। और बाकी ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क तो मत ही करना तो ही अच्छा है, क्योंकि UHD ग्राफिक्स है भाई बहुत ही बिल्कुल एकदम बेस लेवल हो गए i3 वाले प्रोसेसर में आते हैं, तो ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करना। मतलब कॉलेज रिलेटेड काम भी बहुत ही मुश्किल है कि हो पाएंगे इसमें, बिल्कुल ही हल्के फुल्के लाइट ग्राफिक कार्ड वाले काम ही कर सकते हैं बस। तो इसीलिए अगर तुम्हारा हैवी काम है तो या तो इसके अंदर जो दूसरे वेरिएंट आते हैं अपने ग्राफिक कार्ड वाले, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको चेकआउट कर सकते हो जो इसके हायर वेरिएंट्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक काम मतलब बेस मॉडल है भाई, बाकी प्रोग्रामिंग किसी भी लेवल तक तुम इसमें हाई लेवल तक भी बढ़िया कर सकते हो, वो सब काम स्मूथ हो जाते हैं इसमें बिना किसी दिक्कत के। एंड अगर गेमिंग की बात करें तो अगेन ये भी UHD वाले ग्राफिक्स में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ही बेसिक सी गेमिंग होती है, लेकिन फिर भी मैंने आइडिया के लिए टेस्ट कर दिए 2-3 गेम्स, तो एक बार गेम टेस्ट देख लो। तो पहले मैंने GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल सेटिंग्स पर 1080p रिजोल्यूशन में, मतलब बिल्कुल ही लो सेटिंग्स थी, और इस सेटिंग्स पर भी हमें 20-25 FPS मिल रहे थे जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है, मतलब 30 FPS से नीचे बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं होते एंड गेम काफी ज्यादा लैग भी कर रहा था, तो GTA इस लैपटॉप में नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं खेल सकते हम। फिर मैंने सोचा थोड़ा हल्का गेम टेस्ट करते हैं, तो वैलोरेंट टेस्ट किया लो सेटिंग्स पर और उसके अंदर भी भाई 30-40 FPS मिल रहे थे, मतलब डेफिनेटली प्लेएबल था क्योंकि 30 FPS से ज्यादा आ रहे थे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि भाई बहुत ही कम FPS है और मतलब बहुत ही गई गुजरी परफॉर्मेंस मिल रही है इस गेम में भी, तो गेमिंग नहीं कर सकते ये तो पक्का हो गया इस लैपटॉप के अंदर, हम मतलब एस्फाल्ट जैसे गेम ही खेल पाओगे। देन CS:GO टेस्ट किया रिकमेंडेड सेटिंग्स पर और ये भी भाई 15-20 FPS ही दे रहा था, तो ये भी प्लेएबल नहीं है, तो मतलब CS:GO भी नहीं खेल पाएंगे हम इसके अंदर। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो अभी जिस टाइम पे वीडियो में बना रहा हूं इस वक्त पर इसका प्राइस कुछ 56-57,000 के आसपास है, जो कि Amazon पे देखा था मैंने, तो अगर उस हिसाब से इसको जज करें तो ये बिल्कुल भी मेरे को वर्थ नहीं लगा इतने ज्यादा हाई प्राइस पर। मतलब रैम भी 2666 MHz की है, ग्राफिक्स भी इसके अंदर हमें UHD वाले मिलते हैं एंड ओवरऑल जो एक 60,000 के लैपटॉप से तुम प्रीमियम चीजें एक्सपेक्ट करोगे वो सब भी इसमें मेरे को मिसिंग लगी कहीं ना कहीं, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज हो या बिल्ड वाइज हो या फिर किसी भी तरीके से। तो मैं यही कहूंगा कि देखो वेट करो, इसका प्राइस कम होने दो, अगर तुम्हारा बजट कम है एंड तुम्हें डेल का ही लैपटॉप चाहिए और ये लैपटॉप पसंद आ गया मन को भाग गया, तो मैं कहूंगा कि 50,000 या उससे कम अगर इसका प्राइस होता है तो ही ये वर्थ इट है, क्योंकि बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है ये। बाकी अगर तुम चाहो तो इसके हायर वेरिएंट्स को कंसीडर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्राइस वाइज चेक करना चाहो तो वहां से कर लेना, पर अभी के लिए इस लैपटॉप को तो मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, रीजन तुम्हें समझा ही दिया मैंने, तो होपफुली अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी खरीदना चाहो या प्राइस चेक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा और इन वीडियो को भी चेक कर सकते हो, काफी काम आएंगी। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन करके बेल आइकन पे ऑल, और हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।